1941 में ब्रिटिश नेवी का एक सबमरीन समुद्र में पहरा दे रहा था, तभी सबमरीन समुद्र में लगी सी माइन से जा टकराया और सबमरीन कुछ ही मिनट में तबाह होकर समुद्र की गहराई में जाकर डूब गई। सबमरीन में तेजी से पानी भरने लगा, लेकिन इस गहराई में पानी का इतना प्रेशर था कि अगर कोई व्यक्ति सबमरीन से बाहर निकलता तो उसके शरीर की हड्डियां पानी के दबाव के वजह से टूट जाती। लेकिन फिर भी जॉन नामक व्यक्ति यहां से बच निकला, लेकिन कैसे? दरअसल सबमरीन में जब ब्लास्ट हुआ तब जॉन नामक व्यक्ति सो रहा था। ब्लास्ट में सबमरीन के 58 लोग मारे गए, लेकिन 3 लोग इसमें से बच गए। सबमरीन में ऑक्सीजन तेजी से खत्म हो रहा था, तभी वो तीनों लोगों ने वहां से निकलने का प्लान बनाया। उन लोगों ने सबमरीन की कैप को ओपन किया और सबमरीन के बाहर तेजी से अपने आप को धक्का दिया। उसी दौरान कैप से निकलने वाली हवा ने उन्हें पानी के दबाव से बचाने में मदद किया, लेकिन कुछ मिनट बाद सिर्फ जॉन समुद्र के बाहर जिंदा निकले। लेकिन जहां से जॉन बाहर निकले थे वहां से जमीन करीबन 7 किलोमीटर दूर थी। जॉन जैसे तैसे तैरते हुए रात के अंधेरों में फाइनली आयरलैंड पर पहुंचे। वहां पर पहुंचने के बाद थकान और दर्द के कारण जॉन बेहोश हो गए। कुछ घंटों बाद वहां के मछुआरों ने जॉन को देखा और उनकी मदद की। उन मछुआरों ने उन्हें 18 महीने टापू में छुपा कर रखा, क्योंकि वो टापू दरअसल इटली का था और उस वक्त इटली और इंग्लैंड के बीच विश्व युद्ध चल रहा था। क्या लगता है आपको, जॉन लक के कारण से बचे या फिर अपनी बुद्धिमानी और हिम्मत के कारण बचे? सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट पर बताएं।